करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड का उत्थान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड का बंद करो, झारखंड में जाति धर्म का बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एवं सरकार विभाग की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एवं सरकार बाबू जी सरकारी राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एवं सरकार हो झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल तो पारित हो गया था शीतकालीन सत्र में ही, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त भी उंगलियां उठाई थी कि इसमें जो है कई खामियां और कमियां हैं। बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको कि अमेंड करने की जरूरत है, ये उस वक्त बीजेपी ने जोड़ दिया था। एक बार फिर बीजेपी का यह आरोप है कि सेलेक्टिव होकर सरकार काम कर रही है, सरकार का डबल स्टैंडर्ड है मॉब लिंचिंग को लेकर। डेफिनेशन जो है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिसमें चार लोग से ज्यादा रहेंगे और वो अगर किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं और अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो उसको मॉब लिंचिंग ट्रीट किया जाएगा। इसी पर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है कि सिमडेगा में जो घटना घटी थी जिसमें जिंदा जलाया गया था संजू प्रधान को, आखिर वो क्या था? या फिर रूपेश पांडे की जो हत्या हुई थी सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान बरही में, जब पांच जिलों का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्नैप कर दिया गया था, उसको जो है काट दिया गया था, काफी जो है उस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। कपिल मिश्रा दिल्ली से आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया परिजनों से, बीजेपी का जो डेलीगेशन गया था उसको भी रोक दिया गया, तो वो आखिर क्या था? उसको मॉब लिंचिंग कहने से सरकार को गुरेज क्यों है? ये सवाल बार बार बीजेपी उठा रही है और इसको लेकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर सदस्यों ने, बीजेपी के सदस्यों ने, विधानसभा सदस्यों ने धरना भी दिया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है कि सरकार का डबल स्टैंडर्ड है मॉब लिंचिंग को लेकर। और उसी वक्त जब बिल ड्राफ्ट किया गया और बिल को पारित करवाया गया, उसी समय से बीजेपी को यह अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इससे तुष्टीकरण करने की मंशा सरकार को है। ये तमाम सवाल जो है सरकार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई विधायकों ने बताया जो सत्ता पक्ष के हैं कि वो ऐसा नहीं करते हैं। जिस तरह से स्लोगन बुलवाकर पहले जो घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग था, रेफर कर रहे थे वो लोग तबरेज अंसारी के मामला को। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।